लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश। बीजेपी में सियासी गुटबाजी दिख रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी काफी मुखर हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो 37 सांसदों के साथ लखनऊ का मैदान छोड़कर दिल्ली से यूपी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच यूपी की सियासत में 29 जुलाई की तारीख काफी महत्वपूर्ण हो गई, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। आने वाली 29 जुलाई चार बड़े कारणों की वजह से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सबसे पहला है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, जो 29 जुलाई से ही शुरू हो रहा है। साथ ही इसी दिन सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और अखिलेश यादव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का 29 जुलाई से पहले चयन कर लेना है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी की पार्टी में नेताओं के बीच जारी मनमुटाव को भी दूर करने के साथ साथ सहयोगी दलों के विश्वास को भी जीतने की चुनौती होगी, इसीलिए 29 जुलाई पर सभी की निगाहें। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद पहली बार सूबे में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। यूपी में 80 में से सबसे ज्यादा 37 सीटें जीतने के बाद सपा के हौसले सातवें आसमान पर, जिसकी झलक लोकसभा में दिख रही है। ऐसे में सपा के विधायक विधानसभा में भी खासा उत्साहित नजर आ सकते हैं और अब तो कांग्रेस भी उनके साथ है। इस तरह सपा सदन से सड़क तक आक्रामक रुख अपनाए रखने का प्लान बना रही। इस बार का विधानसभा सदन की कार्यवाही पर सभी की निगाहें भी होंगी। विपक्षी तेवर देखने वाला होगा। बिजली कटौती से लेकर कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का मामला चल रहा है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं एक और विपक्ष जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठा है, तो बीजेपी के सहयोगी दल भी अलग कश्मकश में। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं में खींचतान जारी। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में मनमुटाव की बातें हो रही हैं। इसके अलावा बीजेपी सहयोगी दल अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ये नहीं खत्म हुआ तो विधानसभा सदन में विपक्षी बीजेपी पर हावी हो सकते। ऐसे में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सियासी रिश्ते सुधारने का जिम्मा सीएम योगी के कंधों पर है, क्योंकि सरकार के वो ही मुखिया हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सबसे अहम हो जाती। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके चलते उन्हें विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आते रहे, लेकिन अब उन्हें नए नेता का चुनाव करना होगा। इसके साथ विधानसभा में मुख्य सचेतक का भी फैसला करना होगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल सिंह यादव से लेकर इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर के नाम की चर्चा है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के चलते शिवपाल यादव के नाम पर मोहर लगना मुश्किल लग रहा है। सपा ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले को अजमाया है, उसके चलते माना जा रहा है कि किसी दलित या फिर गैर यादव ओबीसी को ये पद दिया जा सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसी दिन से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सूबे में नए राज्यपाल की नियुक्ति 29 जुलाई से पहले करनी होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होता रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति करना या फिर विस्तार देने की दायित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है। इस तरह केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति मुहर लगाता है। यूपी के इतिहास में किसी भी राज्यपाल को अभी तक लगातार दो कार्यकाल नहीं मिले। ऐसे में देखना है कि आनंदीबेन पटेल को केंद्र की मोदी सरकार विस्तार देती है या फिर दूसरा कार्यकाल, लेकिन जो भी करना है उसे 29 जुलाई से पहले करना हो। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।